आज हम आपको सुनाएंगे दूसरे विश्व युद्ध की एक सच्ची कहानी, जब एक 6 साल का बच्चा अपने देश के लिए फौज में भर्ती हो गया। कहानी की शुरुआत होती है रशिया के एक छोटे गांव से, जहां 3 लोगों का एक परिवार नदी किनारे बैठकर अपने खाली समय को एंजॉय कर रहा था। उनमें सबसे छोटा बच्चा सर्गे एल्योस्कोव अपने बड़े भाई और माँ को एक पेड़ पर चढ़कर दिखा रहा था कि देखो मैं इतनी ऊपर चढ़ गया। लेकिन तभी जर्मनी का एक लड़ाकू विमान उनकी तरफ आया। सर्गे की माँ ने दोनों भाइयों को जल्दी से झाड़ियों में छुप जाने को कहा, लेकिन सर्गे कहता है कि वो इन सब से डरता नहीं है। उसने अपनी गुलेल से उस फाइटर जेट पर हमला कर दिया और अगले ही पल गुलेल के हमले से वो फाइटर जेट तबाह हो गया। लेकिन जब उसने आसपास नजर दौड़ाई तो उसे अपना परिवार कहीं दिखाई नहीं दिया। सर्गे की नींद टूटी तो उसे समझ आया कि ये एक सपना था। वो बिस्तर से उठा और अपनी माँ को पुकारने लगा। तभी किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। उसने सोचा कि ये उसकी माँ होगी, लेकिन पड़ोस की एक औरत जो बहुत डरी हुई थी घर के अंदर आई। उसने सर्गे को बताया कि उसकी माँ और बड़ा भाई दोनों मारे गए। वो मासूम बच्चा इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पाता और कहने लगा कि वो घर में ही रुककर अपनी माँ का इंतजार करेगा। उस औरत ने उसे बताया कि जर्मन सैनिकों ने हम पर हमला कर दिया है और इससे पहले कि वो उसे देख लें उसे वहां से भागना होगा। तभी कुछ फौजी उनके घर की ओर बढ़ने लगे। उस औरत ने सर्गे को उठाकर खिड़की से बाहर भगा दिया, लेकिन खुद जाने से पहले उनकी गोलियों का शिकार हो गई। उस 6 साल के नादान बच्चे से एक ही झटके में उसका परिवार, दोस्त, घर सब कुछ छीन लिया गया था। जब वो अपने घर से दूर भाग रहा था, उसने पीछे अपने गांव को जलते हुए देखा। उसने रोते हुए अपनी माँ को पुकारा, लेकिन वो कैसे आता। कुछ देर दौड़ने के बाद वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गया। उसने फिर अपनी माँ को आवाज लगाई कि वो आकर उसे घर ले जाए। वो खो गया था। उस रात वो जंगल में ही रहा। अगली सुबह नदी से पानी पीते समय उसने देखा कि कुछ दुश्मन फौजी उसी की ओर चले आ रहे थे। सर्गे जानता था कि वो खतरनाक हैं और भागकर कुछ पेड़ों के पीछे छिप गया। वहां एक सांप के आने पर वो कांपने लगा, लेकिन फिर भी चिल्लाया नहीं, भागा नहीं, वहां पर ज्यों का त्यों खड़ा रहा, क्योंकि उसे सांप से ज्यादा उन जर्मन सैनिकों का डर था जिन्होंने एक ही झटके में उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ दिया था। उन फौजियों ने कुछ देर नदी किनारे बैठकर खाना खाया और फिर वहां से चले गए। उनके जाते ही सर्गे भागकर उस जगह गया और बचा खुचा खाना ढूंढने लगा। दिन के आखिर तक वो 6 साल का बच्चा बहुत थक चुका था। उसने पिछले 2 दिन में एक बार भी ढंग का खाना नहीं खाया था, बस बिना किसी मंजिल के लगातार चले जा रहा था। वो लड़खड़ाकर गिर पड़ा, लेकिन फिर भी उसने चलना बंद नहीं किया। रास्ते में उसे कुछ जंगली फल दिखाई दिए। वो उन्हें खाने लगा ही था कि तभी उसके पीछे एक जोरदार धमाका हुआ। वो नादान बच्चा और डर गया। घबराहट के मारे वो अजीबोगरीब चीजें सोचने लगा। उसे वहम हो गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हालांकि ऐसी हालत में भी वो डटकर खड़ा रहा और पीछा करने वाले से कहने लगा, मेरे पास एक बंदूक है, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। कुछ देर बाद थकान और कमजोरी की वजह से सर्गे बेहोश हो गया। उस हालत में 2 फौजी उसके पास आए। कहानी में आगे हम रूसी सेना के एक अड्डे को देखते हैं, जहां कमांडर कुज़नेत्सोव अपने सैनिकों के लौटने का इंतजार कर रहा था। फौजी उस जख्मी छोटे बच्चे को लेकर वहां पहुंचे। जब फौजियों ने उसे समझाया कि वो रूस के लिए ही लड़ रहे हैं, तो वो उनके साथ खुलने लगा और अपना नाम बताया। जब उसने कमांडर से हाथ मिलाने के लिए अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया तो सभी फौजी हंसने लगे, लेकिन कमांडर ने भी उसे अच्छे से हाथ मिलाकर अपना परिचय दिया। फौजियों को उस बच्चे के साथ अपनापन महसूस होने लगा था। वो झुंड बनाकर उसके पास बैठ गए और उसे खाने पीने की चीजें देने लगे, यहाँ तक कि उनका आमतौर पर सख्त कमांडर भी उसका ध्यान रखने लगा। जब कात्या नाम की एक नर्स सर्गे की चोटों पर दवाई लगा रही थी, तो उसने नर्स से कहा कि उसके घावों पर वो एक टैंक बना दे, क्योंकि वो बड़ा होकर एक फौजी बनना चाहता है। इन्फर्मरी में लेटे जख्मी फौजी भी उससे बात करके हल्का महसूस करते। सर्गे को कमांडर की बंदूक और उसका बैच बहुत पसंद था। कमांडर भी उसके छोटे बड़े सभी सवालों का जवाब देता। कभी कभी खाली समय में वो गोलियां निकाल कर उसे अपनी बंदूक से खेलने भी दिया करता। सर्गे ने उसे अपने पेट पर बना टैंक दिखाया और खुद को फौजी बताकर इतराने लगा। वो अब तेजी से ठीक हो रहा था। नर्स ने कमांडर से कहा कि वो सर्गे को पलटन के साथ ही रहने दे, लेकिन कमांडर ने ये कहकर मना कर दिया कि यहाँ रहना उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वो सर्गे को एक अनाथालय भेजने का फैसला लेता है। वहाँ के फौजी अपना आराम का समय सर्गे के साथ बिताना पसंद करते। दिन में बहुत से लोग उससे मिलने आते। वो उसे अपने घर से आई खाने की चीजें देते और दूरबीन से खेलना तो उसे बेहद पसंद था। एक दिन एक फौजी कमांडर से सर्गे को पलटन के साथ ही रखने की दरखास्त करता है। सभी उसे बहुत पसंद करते थे। उसके साथ कुछ पल बिताकर उन्हें युद्ध के इस कोलाहल में 2 पल सुकून के मिल जाते। हालांकि कमांडर इसी बात पर अड़ा हुआ था कि उसकी हिफाजत के लिए सर्गे को अनाथ आश्रम भेजना ही होगा। अगले दिन दुश्मनों ने उन पर हमला कर दिया। इस मुठभेड़ में कई जवानों को चोटें आई। दूसरी तरफ एक गाड़ी सर्गे को वहां से अनाथ आश्रम ले जाने के लिए खड़ी थी।
कमांडर ने बड़े प्यार से उसे इस बारे में समझाया और एक लकड़ी की बंदूक यादगार के तौर पर उसके हाथ में थमा दी। सर्गे ने उसे जोर से गले लगा लिया और कहने लगा कि दूर जाकर उसे उन सब की खैरियत की बहुत चिंता रहेगी। उसके गले लगकर कमांडर का दिल भी पिघल गया और उसने सर्गे को पलटन के साथ ही रखने का फैसला लिया। उस रात फौजियों ने उसके लिए छोटे साइज की यूनिफॉर्म बनाई। सर्गे अपनी यूनिफॉर्म देखकर बहुत खुश हुआ और उसे पहनकर खुशी से इधर उधर भागने लगा। वो बिल्कुल एक असली फौजी की तरह दिखाई दे रहा था। सभी उसे प्यार से सोल्जर बॉय कहकर बुलाने लगे। जब वो इधर उधर भाग रहा था तो जर्मन्स ने अचानक उसकी पलटन पर हवाई हमला कर दिया। फौजियों ने सर्गे को जल्दी से सुरक्षित जगह पहुंचाया और लड़ने चले गए। घायल फौजियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इस मुश्किल की घड़ी में सर्गे भी उनकी मदद करना चाहता था, इसलिए उसने प्यासे फौजियों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। उनमें से एक ने उसे घर से आई एक चिट्ठी पढ़कर सुनाने को कहा, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। सर्गे चिट्ठी पढ़ना तो चाहता था लेकिन उसे पढ़ना आता ही नहीं था। फिर भी उसने चिट्ठी ले ली और अपने मन से बातें बनाकर बोलने लगा। उसने कहा कि घर पे फौजी की गायें एकदम ठीक है। फौजी ने कहा कि उसके पास तो गायें है ही नहीं, लेकिन बाकी सब ने हंसते हुए कहा कि कोई नहीं, पढ़ने दे इसे। ऐसे ही वो अपने निराले अंदाज में हर किसी को उनके लेटर्स पढ़कर सुनाया करता, जिसे सुनकर सब खूब हंसते। हमें पता चलता है कि कात्या और कमांडर एक दूसरे को पसंद तो करते थे, लेकिन आज तक ये बात कह नहीं पाए। बाद में सर्गे कमांडर को बताता है कि वो भी अब पलटन का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। तभी उनके सामने एक हमले में तबाह हुआ सैनिक स्टेशन आ गया। कमांडर ने उसे अपनी टोपी उतार कर शहीद हुए सैनिकों के लिए सम्मान जताना सिखाया। अगले दिन उसने कमांडर से कहा कि उसे भी एक मिशन दिया जाए। उसे सैनिकों को उनकी चिट्ठी पहुंचाने का काम सौंपा गया। वो इस काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करने लगा, लेकिन कभी कभी वो चिट्ठी के बदले किसी को नाचने तक को कह देता। अगले दिन सर्गे अपनी दूरबीन लेकर बेस से कुछ दूर निकल गया। जब वो उसके साथ खेल रहा था तो उसे सूखी घास के ढेर में किसी का पैर हिलता हुआ दिखा। वो जल्दी से दौड़कर पलटन के पास पहुंचा और अपनी खोज के बारे में सैनिकों को बताया। हालांकि बच्चे की बात पर उन्हें इतना विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ वहां जांच करने पहुंचे। उस सूखी घास के ढेर में उन्हें दो जर्मन जासूस छिपे हुए मिले, जिन्हें वो गिरफ्तार कर अपने साथ ले गए। सर्गे की समझदारी और सूझबूझ की सबने बहुत तारीफ की। उस रात कमांडर ने सर्गे को गोद लेने के कागज उसे दिखाए। अब सर्गे कानूनी तौर पर उसका बेटा बन गया था। सर्गे जानता था कि उसके पिता कात्या को पसंद करते हैं, इसलिए अपना हक जताते हुए वो कमांडर को कात्या से बात करने ले गया। लेकिन वो दोनों उसे किसी दूसरे आदमी से बात करता हुआ देखकर मान लेते हैं कि शायद वो किसी और को पसंद करती है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। एक बार फिर उनके अड्डे पर जर्मन सैनिकों ने हमला कर दिया। इस बार सर्गे अपनी पूरी ताकत से सभी सैनिकों की मदद करने में जुट गया और उन्हें गोला बारूद पहुंचाने लगा। लेकिन वहां पर तैनात एक सैनिक ने उसे वापस लौट जाने के ऑर्डर्स दिए, क्योंकि वो जगह खतरे से खाली नहीं थी। वापस आकर उसने देखा कि कमांडर और बाकी सब बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि कर्नल के साथ उनका कनेक्शन टूट गया था। एक फौजी को टूटी हुई तारें जोड़ने के लिए भेजा गया। सर्गे भी चुपचाप उसका पीछा करता है। उसने देखा कि वो फौजी गोली लगने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया था। वो उस मरते हुए फौजी से तारों को जोड़ने का तरीका पूछता है। बताए गए तरीके से सर्गे ने तारों को जोड़ दिया, जिससे कनेक्शन लौट आया और कमांडर ने कर्नल से मदद भेजने को कहा। उस 6 साल के बच्चे की वजह से सबकी जान बच गई। अगले दिन कमांडर ने कात्या के लिए अपने प्यार का इजहार किया और उससे सर्गे की माँ बनने के लिए पूछा। अंदर ही अंदर वो बहुत खुश थी, लेकिन काफी शर्मा रही थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहती, एक सैनिक उनके पास आया और कमांडर को चिट्ठी थमा दी, जिसमें उन सबको एक दूसरी जगह पर जल्द से जल्द पहुंचने के ऑर्डर्स थे। सभी फौजी सर्गे के साथ अपने नए बेस की ओर रवाना हो गए, लेकिन जाते समय रास्ते पर दुश्मन की बिछाई हुई माइंस की वजह से उनकी कुछ गाड़ियां तबाह हो गई। कमांडर को भी सर पर चोट आई और एक सैनिक जो सर्गे के बहुत करीब था धमाके में शहीद हो गया। सर्गे कमांडर के गले लगकर बहुत रोया। वो सभी घायल सैनिकों को साथ लेकर फिर से अपने नए स्टेशन की ओर चलती है। वहां पहुंचकर सब फौज के जनरल से मिले। जनरल भी उस बच्चे की बहादुरी से बहुत प्रभावित हुआ। अगले दिन उनकी बटालियन को गार्ड्स बैनर से सम्मानित किया गया और सर्गे को भी। जब जनरल ने उसे बैज दिया तो उसने कहा कि वो पूरी जी जान से अपने देश की हिफाजत करेगा। एक रात उनके बेस पर जोरदार हमला हुआ। एक धमाके में कमांडर पूरी तरह लकड़ी के बल्लों के नीचे फंस गया। सर्गे रोते हुए अपने पिता को बचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। उसने बाकी सैनिकों को आवाज लगाई, जिन्होंने कमांडर को बाहर निकाल कर उसकी जान बचाई। अगले दिन सर्गे घायल पड़े कमांडर के पास गया। उसके छोटे छोटे हाथ भी अपने पिता को बचाने की कोशिश में चोटिल हो गए थे। वो बच्चा अब इस बटालियन का अटूट हिस्सा बन चुका था। उनके अलावा अब उसका कोई परिवार नहीं था। वो जहां भी जाते वो उनके साथ जाता।
आखिरी सीन में हम देखते हैं कि वो बाकी सैनिकों के साथ पूरे जोश में आगे बढ़ रहा है। बताया जाता है कि सर्गे युद्ध लड़ते हुए अपने साथी फौजियों के साथ पोलैंड तक गया था। आज तक उसे दुनिया का सबसे छोटा फौजी कहा जाता है। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो लाइक और कमेंट जरूर करें ताकि YouTube को पता लग सके कि हमारी वीडियो असलियत में अच्छी है। प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस ला सकें।